और मेरा माइक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ मैं और मेरा माइक। याद है आपको हाईवे पर जाते समय ट्रक्स के पीछे लिखा हुआ हम क्या क्या पढ़ते थे? अपनी औकात में रहो, और हम पढ़कर बस हंस देते थे और एक्सेलेटर पर पांव दबाते हुए उसी ट्रक को ओवरटेक कर जाते थे। दोस्तों, वो गलत नहीं लिखते थे। इस कोरोना ने अच्छे अच्छों का रोना निकाल दिया, बड़े बड़े सूरमाओं की हवा निकाल दी, गलत फहमियों को चकनाचूर कर दिया। भाई, अमेरिका जैसे मुल्क के बारे में भी दुनिया को समझ आ गया कि ये सुपर पावर, ये नंबर वन नंबर टू कंट्री जैसा कुछ नहीं होता। उधर चाइना ये सोच रहा है कि साला पहले तो सिर्फ अपने माल की गारंटी को लेकर पंगा था, अब तो इस बात की भी गारंटी नहीं कि दुनिया में चाइना का माल बिकेगा या नहीं। और ये कनेडे वाला दामाद या इंग्लैंड वाली बहू पाने की ख्वाहिश रखने वालों, हाई स्टडीज और छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए फॉरेन के सपने देखने वाले इंडियंस को भी अच्छी तरह समझ आ गया है, ब्रो अपना देश इज स्टिल डूइंग मच बेटर। हाँ जी हाँ, इस टेस्टिंग टाइम में इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन के दौरान घर में ही कमाल के कुछ फैक्ट्स उजागर हुए। जैसे मेट्रो सिटीज, महानगरों के बच्चों को पहली बार विश्वास हुआ कि तारे टिमटिमाते भी हैं। इंसान क्या, जानवरों और परिंदों को भी लगने लगा, वाह ये दुनिया तो हमारी भी है। वैसे तो हम हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता का कोई जवाब नहीं, पर अगर साथ में साफ सफाई को रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बना लें तो कसम से सोने पे सुहागा हो जाए, और यह करना कतई मुश्किल नहीं है। अब तो अपने ही यंग बच्चे मानने लगे हैं कि जंक फूड के बिना हेल्थ बढ़िया लग रही है और घर का खाना भी टेस्टी होता है। यह भी प्रूव हुआ कि जरूरत पड़ने पर आराम से घर से भी काम किया जा सकता है, जैसे मेरा ये माइक। और घर में रहते हुए मेरा ये विश्वास और पुख्ता हुआ कि मेरे घर की लेडीज हम बाप बेटे से कहीं बेहतर हैं, चाहे बात घर चलाने की हो या गाना गाने की हो। तो चलिए इससे पहले जिक्र करें सबसे अहम फैक्ट का, क्यों ना एक और गाना सुन लिया जाए डॉली से, कोरस वाले करियोके ट्रैक पर, जिसे मेरे दोस्त शोभित ने भेजा है। थैंक यू शोभित। मरहूम साहिर साहब के बेहतरीन कलाम को संगीत में बखूबी पिरोया है स्वर्गीय जयदेव जी ने, और फिल्म है हम दोनों। तो चलते हैं डॉली के पास। दोस्तों, ये एपिसोड तब तक अपने अंजाम पर नहीं पहुंच सकता जब तक उस रियलाइजेशन का जिक्र ना हो जो इन फैक्ट्स का सबसे अहम हिस्सा है, और वो है कि हमारे असली स्टार्स ये फिल्म एक्टर्स, सिंगर्स या ये क्रिकेटर्स नहीं हैं, असली सितारे हैं वो सभी जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हम जैसों की सेवा कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है
कि इन खुदा के बंदों को रिटर्न गिफ्ट क्या दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं, सबसे बड़ा इनाम तो ये होगा इनके लिए कि हम सभी लोग बार बार बताए और समझाए गए सरकारी, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देशों यानी एडवाइजरीज का रिलीजियसली पालन करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। स्टे होम, स्टे सेफ।